राजा की बगिया में नींबू नहीं आए, मेरे नींबू लटा लट लटके मैं जान गई। तो सरो तो मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बबली पंत कुमाऊनी कल्चर पे। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मित्रों आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ अपने गाय की गोद से, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं वीडियो शुरू गाय की गोद से इससे कर रही हूँ, आज हम कर रहे हैं गाय की गोद में साफ़ सफाई। बहुत गंदगी हो रही थी तो हम लगा रहे हैं यहाँ कमेट। आप लोगों को पता ही होगा कमेट किसको बोलते हैं। पहले से सब लोग अपने घरों में बिचौली के महीने में अपने मकान में कमेट से उछेड़ते थे और बोलते थे हमने अपने मकान को यानी को बिचौली देनी है, कूड़ को बिचौल देना है और भी बिचौली बनाते थे। तो आजकल ये वाली परंपरा बहुत कम हो चुकी है, सब लोगों के घरों में पेंट वगैरह लगता है। तो हमारे भी अंदर तो कमेट वाला कुछ भी नहीं है, इस वजह से हम यहाँ लगा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए हम कैसे कमेट से उछेड़ते हैं। तो बने रहे वीडियो। ये देखिए मित्रों, दो दीवालों में तो हमने कर दिया है, उछेड़ लिया है। मेरे पंत जी और मैं उछेड़ते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर गाय को धूप लगी बाहर पर, यहाँ पर हम गाय को बांध देंगे। उसके बाद हम तो मित्रों हमने गाय की गोद में साफ सफाई कर ली है। अब हम बनाते हैं पालक की सब्जी, झोली और भात। ये पालक हमने दोबारा बोया था, हमारा बहुत अच्छा पालक हो रहा है। अभी गर्मी के सीजन में भी हरी सब्जी की कोई कमी नहीं हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो मित्रों हमने अच्छे से गाय की गोद की साफ़ सफाई कर दी है और सारी दीवारों को छेद लिए है। अब मैं गाय को बांधती हूँ खेत में, उसके बाद बनाते हैं हम खाना। फिर जाएंगे हम लोग वहाँ सुरजा लोगों के घर में, वहाँ होने वाला है जनेऊ और वेदी बनाने के लिए। वहाँ हमको लानी है मिट्टी, मिट्टी लाएंगे और फिर अर्पण वगैरह डालेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देखिए मित्रों, अब गांव की सभी महिलाएं हम लोग चले गए हैं मिट्टी लेने के लिए। जनेऊ के दिन जो बेदी बनती है उसके लिए जो मिट्टी होती है वो दीमक वाली मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी यहाँ पे है। हम यहीं से ले जाते हैं हर कार्यक्रम में, आज भी हम ले जा रहे हैं। आप लोग देखिए सब लोग मिलके। Thank you.
सुकून है चीज भाई मटका बेवा भी ले लिया तब फिर वाले बेउन न बाजन ने बेउन बाजन ने बेउन फिर वाले बेउन फैशन में चली नहीं नहीं हमें यहां तो छान पर नहीं है वो रेखा दी बैठी है उसमें अरे तो मैं दीनी को मुखर में रखूं दियो अरे तू ले जाना है मैंने नहीं नहीं बादशाह उसके ला तुम तेरे यहां ये देखिए मित्रों अब हम लोग मिट्टी भी ले गए हैं। अब इसको घर जाके कूटना पड़ेगा और छलनी से छानना पड़ेगा, उसके बाद इसकी बेदी बनेगी जनेऊ के लिए। और अभी हमको डालने हैं अपन वगैरह, कोई लोग वहाँ पेंट के अपान भी डाल रहे हैं और वैसे बिस्वार वाले भी हम लोग मिट्टी लेने के लिए आए हुए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखिए मित्रों सारे जंगल में आग लग के सारे बांस के पेड़ भी सूख चुके हैं और काफल में फल आया था वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर तक लग गई आग उनमें काफलों के पेड़ में। देखिए मित्रों पेड़ों के ऊपर ऊपर टहनियों तक आग की लपट गई हुई है और बहुत ज़्यादा पेड़ सूख चुके हैं। यह ना जल लो ये खुद हरी ही हरी है उन्हें बोर्ड अकेले चलो खरा खरा ही नहीं ले रखो तुमने तो बाग लगाया मैंने लगाया एक नींबू में जान गई एक गीत नाची गीत खाओ तुम राजा की बगिया में नींबू नहीं आए मेरे नींबू लटा लट लटके मैं जान गई तो शरो तो उन्होंने लगा मैंने लगा यार बोर्ड जान गई उन्होंने जाए तो सो वाला वाला गीत गाया तुम यो क्या है की करा हला तुम ये बहुत ले जंगल से है ना एकदम बच्ची के पास नहीं जाते हैं नियम है नियम है ये पर बैठ है पर बैठ अब अगले लागी में गोडले लागी जाला एकदम मुझे शुमना बाबलाने लागनी रे ब्या जाओ बे एक ये झपाक शुमना को दीती मन बचा ने भी नहीं होने एक ये झपाक लगा शुमना मिट्टी से आने तक यहां मानवी लोगों ने इतने अपन डाल दिए हैं पेंट के और बिस्वार वालों ने बिस्वार वाले डाल रखे हैं। अब हम लोग कल डालेंगे, अब बहुत शाम हो गई है। दूसरी वाली दिली में दीप्ति डाल रही है और वो वाली दिली में मानवी। और यहाँ पर दरवाजे में कलश बनाते हैं, शगुन माना जाता है, वो भी बना दिया है। ये देखिए मित्रों सुरदा लोगों के घर में जनेऊ होने वाला है सुरदा के बेटे का और भतीजे का, तो तैयारियाँ शुरू होने लगी। अरपण वगैरह डाल दी है, अरपण ये हंसताई जी ने डाले मतलब जिठानी जी ने। तो मित्रों आज की वीडियो को मैं अब इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अरपण वगैरह और मिट्टी लाना सब कुछ मैंने आपको दिखाया, तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।